अपने सब भाई दोस्तों मामा नानी सबसे मिलता हुआ। अरे फोटो ले भाई। हाँ अब ठीक। इंडिया से हम आए हम आए ब्रह्म ब्रह्म भोज वाला जो कार्यक्रम था भाई साहब। रात दिन आंसू हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। थोड़े से फनी सीन क्रिएट करते रहते मम्मी की वजह से। मम्मी कुछ भी बोलती रहती हैं। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम मतलब मैं और अनूप दोनों लोग जा रहे हैं मंजुल के गांव। वहां पर असल में ब्रह्म क्या चला रही है कुछ भी मतलब मंजुल के गांव में है ब्रह्मभोज। मंजुल को आप जानते हैं, मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो मैं और अनूप जो है जा रहे हैं वहीं ब्रह्मभोज कार्यक्रम में। तो आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से होते हैं हमारे यहां पर जगन्नाथ जी का भंडारा। मतलब जो भंडारे आपने देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन जगन्नाथ जी का भंडारा थोड़ा स्पेशल होता है, अलग होता है। अनूप का फ़ोन आया था, अनूप आ रहा है तो जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ। रेडी क्या, रेडी हुई बस शूज पहनने और फिर उसके बाद में चलते हैं मंजुल के गांव की तरफ। शिवानी तुम्हें केड़ाई बोल चीज शिवानी, मतलब कुछ भी बोल देता हूँ मैं। ये है शिवानी, इनसे भी आप मिल चुके हैं। ये हमारे कुर्ता को कुर्ती बोल रही है। शरम नहीं आती तुमको? हंस रही थे, दांत दिखा रहे। पानी अकेले पगली होगा देखो कुछ भी मतलब कॉम्प्लेन है। ये कॉम्प्लेन है तुम भी चीख लो जरा से। नहीं आया नहीं था। क्या है प्रसाद? तो थोड़ा सा ले। भाई इतनी बड़ी गुजिया देखी आपने, कंपट की इतनी। मम्मी को भाई प्रॉब्लम होती है, मैं पानी पिलाऊं। तो भाई अब चलते हैं, अनूप का आया था फोन। अब जा रहे हैं, वो रास्ते में है, फोन आया है और 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएगा। चलिए चलते हैं अब यहाँ से एक नई यात्रा की ओर। मेरा बच्चा जो है ना बहुत पागल है। और जी कुछ भी। चलिए चलते हैं। धूप इतनी ज़्यादा है कि मतलब झुलसा देने वाली गर्मी एकदम। तो पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जो है बाइक से जाएंगे, लेकिन फिर अनूप भाई बोले धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसे में 4-व्हीलर से ही चला जाए। तो भाई 4-व्हीलर से सही रहेगा यार, आराम से चलेंगे। घर से थोड़ी दूर पे DSN कॉलेज के पास में ओ आ गया। ये देखो टहल रहा है। क्या बोल रहे थे? मतलब कि तुमको यहाँ लेना है, घूम फिर के आए। चली हो गया? हाँ चले। चलो ये अपने सुमित भाई, ठीक वो हुआ कि नहीं हुआ? चलिए साहब, तो भैया का क्रिकेट मैच खिलाओ तो लेके चलिए होगा। बच्चे का बॉल है, उसको बुड्ढे नजर न डाले। बुड्ढे भाई अभी तो हम जवान हैं। तो भाई लेट्स बिगिन द जर्नी। और यहाँ से ओ हाँ यार सीट बेल्ट पहले यार मस्ट है भैया, बिना सीट बेल्ट के कुछ भी नहीं। नहीं मैं लगाता हूँ। नहीं मैं भी लगाता हूँ। वाले को सजेस्ट करता हूँ कि यार लगा लो। नहीं बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हम भी जो है सीट बेल्ट मुझे लगा के ही चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको लगाने से कोई मुझे समस्या है। सही मैं जैसे बैठा हूँ वैसे अभी भी बैठा हूँ। नहीं बहुत सारे लोग होते हैं ना कहते हैं कि बंधा बंधा से महसूस कर रहे हैं। नहीं कोई बंधा नहीं, सब गलत सोच है आपकी। ऐसे स्टीयरिंग पे चढ़ के थोड़ी नहीं चलाता हूँ। तो भाई सीट बेल्ट जो है जरूर लगानी चाहिए। हेलमेट के लिए भी कहूँगा, हेलमेट लगाने से बाल आपके धूप में चरेल नहीं होंगे, मुलायम बने रहेंगे, सुरक्षा रहेंगे, धूल धक्कड़ नहीं होगा ज्यादा, इसलिए हेलमेट भी लगाए। सुन रहे हो? तो भाई जितने विनोद टाइप के लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट जरूर लगाइए। तो भाई हेलमेट बहुत सारी भाई, कम से कम चालान के डर से ही सही। नहीं चालान तो यार चालान बात जिंदगी के डर है, अगर जिंदगी डर नहीं फिर तो कोई बात नहीं। अगर जिंदगी भाई तो फिर बात यह है कि आपकी जुल्फे भी आपकी सुंदर बनी रहेंगी। धूप आजकल बहुत ज्यादा कड़ी पड़ रही है, उससे खराब धूल धक्कड़ से भी काफी खराब हो जाती है, इस वजह से आप हेलमेट जरूर इस्तेमाल। तो भाई हेलमेट और सीट बेल्ट दोनों का यूज करें आप। 2-व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें,
और फोर व्हीलर में फोर व्हीलर हेलमेट की कोई जरूरत फोर व्हीलर हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, और अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ से लगभग 40 से 45 मिनट लगेगा हम लोगों को अभी गांव तक पहुँचने में। लगाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये नई सड़क अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये हाईवे बनाया जा रहा है। पहले तो ये काफ़ी दुबली बदली जितना ये इतना वाला पोर्शन है इतनी खाली होती थी, अभी उस तरफ वाला एरिया बढ़ाया गया है। तो आई होप कि आगे आने वाले टाइम में ये एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा होने वाला है लोगों के लिए। भाई साहब अपने पुराने मोहब्बत को गाना गाना होता है तो नहीं भाई क्या चाहते हो, मेरा खाना पानी हुक्का जाना सब बंद करना चाहते हो भाई? ऐसे ऐसे गाने गाने बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है। तो अभी भी यहाँ से हम लोगों को 15-20 मिनट लगेगा पहुँचने में, बस दोनों बात करते हुए चले जा रहे हैं बढ़िया से अच्छे से गाने सुनते हुए। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाया, चुपके चुपके रात दिन आंसू आशिकी का समाई डूब के गा रही चुपके आने वाले दिन याद आएंगे भैया तुम्हारा जिंदगी में इतना हसीन जमाना बांधा जो है दिल पर अब रेल चल रहा था दुनिया बदल रही। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है बीघापुर स्टेशन के पास में आ गए अभी यहाँ से। हाँ सीट नीचे आ गई तो फिर दिक्कत ही अच्छा। तो नीचे आ गए थे ऊपर तो भाई सिंह चलो भैया खुल गया इतनी तेज नहीं रहा कि एक नीचे मतलब नीचे आ ऊपर चली क्या बात है वो एक तो गिर गया 90 से बा एक नॉक ले भाई देख लो भैया मानेंगे नहीं है नहीं यहाँ से जो है 3-4 किलोमीटर का रास्ता भी दिखा रहा है हमको बहुत प्यारा 5-7 मिनट सिर्फ लगेंगे सड़क बड़ी प्यारी है। हाँ, और गाने भी तो बड़े प्यारे थे जज्बात जाग गए भाई जज्बात बदल गए हालात बदल गए मारो राफी को मारो निहालो में ये पिछले साल खा रहा है ब्रह्मभोज। हाँ ब्रह्मभोज पहले नाना नानी गए थे गया तुमने छोटी गंगा समझ के बाद जा रहे तो समुद्र निकला। तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं बीघापुर, अंकल बगल बैठे हुए हैं सबका सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ क्या चल रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं मंजिल। तो अभी चलते हैं, अभी तो आए हैं थोड़ा सा बैठेंगे और फिर गाड़ी की तरफ चलेंगे, ये नहीं पहुँचे थोड़ा ठूसने लगे है ना, वेट करेंगे थोड़ा देर मंजिल आ जाए फिर चलते हैं। तो फाइनली प्रसाद ग्रहण करके हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कौन सा? अब चलेंगे मोरावा। मोरावा इनकी नानी के घर जा रहे हैं। माता जी की तबीयत खराब हो गई है, हम भी हमारे आए थे। हाँ ब्रह्मभोज वाला जो कार्यक्रम था भाई साहब आयोजन करा संपन्न कराए हैं,
बस आगे तुम बोल लो, पेट वो भर गया तो आवाज निकल नहीं रही, आवाज निकल नहीं रही। तो भैया रसगुल्ला लेके जा रहा है। वाह 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 दादी, क्या मैं दादी सुंदर अरे फोटो ले भाई। हाँ अब ठीक, अरे वो पहले अरे नहीं जो बताए कहाँ देखो फोटो पहले लिया था। और क्या सही है, मार धूल उड़ा दियो यार। तो भाई मंजुल की दादी से मिल लिया, और मंजुल की दादी से मिलने के बाद में अब चल रहे हैं अनूप जी की नानी से मिलने के लिए। आज जितनी नानी दादी हैं सबसे मिल सबसे सब मिलवाएंगे। हमारी दादी से तो आप लोग कभी मिले नहीं हैं, मिल भी नहीं पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है। नहीं टिकट, हाँ टिकट नहीं लेनी पड़ती, टिकट नहीं मिलेगी। और नानी जो है वो है नहीं इस दुनिया में। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, अनूप की नानी मेरी नानी से मिली है, अनूप की नानी से मिली है। पहुंच जाए, ये देखो तो एसी जुगाड़ लगाए हैं, कपड़ा लगा दिए खिड़की के ऊपर गीला करके। हाँ भाई नहीं एसी चल रही है, उसके बाद भी मैंने लगाई है क्योंकि एसी लेकिन स्लो है यार। कहा चाहते हो खाली मतलब ऐसे ही हवा खाना चाहते हो, घर नहीं पहुंचना चाहते हो। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजर मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल को मिलाओ, और जाना मेरी जान। तो भाई अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता मुश्किल से बचा होगा। भाई बहुत टाइम के बाद में गांव आ रहे हैं किसी मतलब एक्चुअली नानी के घर टाइम मतलब जैसे आपने तो मैं गया ही नहीं हूँ बहुत टाइम से, लगभग 1.5 साल हो रहे हैं अप्रॉक्स गया ही नहीं हूँ। हमारा भी 7-8 महीने इस बार हो रहा है, पहली बार है इतना टाइम, नहीं तो हमको लग रहा कि तो हर महीने एक बार चक्कर लगा करते नानी क्या का। हाँ चलो भाई बहुत अच्छी बात है, पहली बार है कि नानी के यहाँ हम इतने टाइम बाद जा रहे हैं। होता है भैया जिम्मेदारियाँ है बेटा। पहले हमारा भी बचपन जो है महीने महीने लगभग गर्मी की छुट्टियाँ होती थी सीधा पास नानी गाँव, नानी का गाँव भाई सबसे फेवरेट जगह होती थी, कहीं नहीं जाना, कहाँ जाना है मामा के यहाँ जाना है बस, नानी गाँव, नानी गाँव जाना है वही बड़े मजे आते थे। अब तो यार सालों बीत जाते हैं नहीं जा पाते। वाह भाई क्या कच्चे कच्चे रास्ते यार, बारिश के मौसम में तो बड़ा मजा आता होगा यार भाई, क्या है ना। भैया घर पहुंच गए हैं, ये है घर नानी का। दादी हटाओ यार आगे छाई मुंह लगा दी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भैया नानी के घर। तो ये हैं अनूप के छोटे भाई साहब और बिजली विभाग यही पलिया पोस्टिंग, और नेपाल जब भी अगर जो है इनको घूमना होता है तो इधर छत फांद के उधर चले गए, नेपाल पहुंच गए आराम से। तो आज हम सब लोग जो है बहुत टाइम के बाद, हमको लगता है काफ़ी टाइम, बस 6-7 महीने बाद जो है नहीं अभी होली के बाद आए नहीं थे घर से, तो होली घर पर मिले थे चुनाव, हाँ तभी मिले थे। तो अभी भाई हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर भी तो अनूप गया है सबसे मिलने के लिए, मामा मम्मी और सबसे मिलने के लिए, हम और संदीप दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अनूप अपने सब भाई दोस्तों मामा नानी सबसे मिलता हुआ सब्जी लेके आया मार्केट से, अभी मिल गया सबसे घर वाली ड्यूटी यहाँ भी है उसी बाजार मम्मी तो चले भी खेत घूमने। हाँ भी खेत घूमने चलो भाई, आओ खेत घुमाते हैं तुम लोगों को आज, खेत घुमाएंगे खेत हम भी बहुत टाइम बाद यार खेत में घूमेंगे, खाली खाली खुली खेत से फोटो ले सकते हैं बाहर तक की। गांव की बात ही अलग है लेकिन अच्छा एक चीज़ में है सबसे हाँ। बड़ी मम्मी की मम्मी अच्छा गांव हो तो एक चीज़ है, पूरा गांव पूछे भैया आ गए हो, शहर में भाई कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, आ रहे हैं ठीक है आओ जा रहे हैं जाओ, गांव के अपने अलग ही इधर चल रहे हैं। चलो भाई मतलब तीन नाना लोग, तीन नानी लोग सबसे छोटी नानी, ये भैया असली भारत है और क्या,
ये खेत आजकल उन्हीं के जूते हैं। ये देखो मैं नाना सबसे छोटे ले लेना। अच्छा छोटे लेना ना। यही नाना बच्चे हैं। हाँ इन्हें से मिलना है तुमको। ये नाना हमारे हाँ। मिल चुके हो अभी छोटे की नानी से मिलाई। नाना कैसे थे आई आए कैसे? अच्छा रास्ता कैसा है इधर से जाना पड़ेगा। नाना ये चौरा दे आवेगा। ये कहे खेत है यार ये? हाँ ये वाला नाना गुइया लगी कि गुइया तो है। हाँ हाँ गुइया है ना। हाँ गुइया आओ नाना सब बस। हाँ नाना प्रणाम प्रणाम। अब ठीक है बच्चा कह रहे हैं। ये क्या है ये वाला? या तो ये वो है क्या कहते हैं धान तो है नहीं धान धान के पहले का वो ब्याण ब्याण है। अच्छा ब्याण उगाई जा रही है। ये जो धान यानी चावल खाते हैं उसके पहले की जो जो पैदावार की जाती है तो लगाई जाती है जो खेतों पे देखी होगी जो खेत जो लगाया जाती है छोटा सा उगाया जाता है। हाँ इस तरह से उगाते हैं खाड़ करके दोबारा लगाया जाता है। लगाया जाता है ये सोच लो कितनी मेहनत है। पहले इसको उगाते हैं फिर लगाएंगे तब उसके बाद कहीं जाके जो है बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत मेहनत तो खर्चा दोनों के लिए पहले छोटे ये सीधे धान उगाएंगे अब इसको उखाड़ा जाएगा। मतलब ये ब्याण ये है कि उखाड़ा जाएगा उखाड़ के फिर दोबारा दूसरे का खेत में पानी भरा जाएगा। तब कहीं इतना मतलब कितना आधा फुट कह सकते हो आधा फुट के आसपास तो पानी भरा जाता है फिर वही में ये रोपा जाएगा ये तब कहीं जाके चावल ये सारे खेत अनुपाप के मामा के ना ये सारे खेत भैया है अनूप। अनूप की जो है पैतृक संपत्ति है। अनूप की क्या एक्चुअली अनूप की मम्मी की पैतृक संपत्ति है या अनूप के मामा कह दी जाए जो भी है। सारे खेत बड़े लंबे लंबे खेत हैं यार। हाँ बहू जा रहे और पहले अच्छा नीर तुम भी होगा। अच्छा अभी होगी तुम साथ ही रहो बज गया। तुम्हारे मन की ही हुई तुम कह रहे हो 7 बजे नहीं यार हम जा रहे थे ना। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ चुका हूँ घर। रात के बज चुके हैं 8:30 आने में थोड़ा सा लेट हो गया अंधेरा भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।